आप सन टैनि रिमूव कर सकते हो और टेन मिनट के अंदर अपनी स्किन को एक्सक्लोइ करके एक फेशियल वाला लुक पा सकते हो और केमिकल पील के बहुत सारे फायदे हैं तो ये सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा केमिकल पील मैंने चूज किया है दर्डनरी ए एच एस थर्टी परसेंट प्लस बी एच ए टू परसेंट पीलिंग सोल्यूशन दिस इज अ टेन मिनट्लोडिंग फेशियल जो की आपके स्किन से सन टैंड रिमूव करता है स्किन को एक्सप्लोइ करता है और स्किन को एक ग्लोइंग लुक देता है नहीं नहीं इसके बहुत सारे बेनिफिट है तो आज मैं इसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ स्टेप बाई स्टेप इसको कैसे यूज करना है इसको यूज करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा इसलिए तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा चलिए ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस स्टार्ट करते हैं इसकी पैकेजिंग से ये पीलिंग सॉल्यूशन इस तरह कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है जिसका प्राइस है सेवन फिफ्टी रुपीज जिसमें आपको थर्टी एम की क्वांटिटी मिलती है विद द शेल्फ लाइफ ऑफ थ्री इयर्स इस पीलिंग सोल्यूशन में है एएचएस एंड ए एच एस एंड बी एच आपके स्किन को बहुत ज्यादा बेनिफिट देते हैं ए एच आपके स्किन के फाइनल को ट्रीट करता है सन डैमेज हुई स्किन को रिपेयर करता है और स्किन को इवेंट टोन बनाता है इतना ही नहीं AHA's आपकी स्किन को फॉर्म बनाता है फेट करता है और स्किन को ग्लोइंग BHA BHA सोलूशन का मैं टेस्ट कर चुकी हूँ मेरी स्किन में कोई भी सेंसिटिविटी रेडनेस या रैशेस अकड़ नहीं हुए हैं इट मीनस ये मेरी स्किन के लिए सुटेबल है जब भी आप पीलिंग सोल्यूशन घर पे यूज करें तो कुछ बातों पर जरूर ध्यान रखिए पीलिंग सोल्यूशन को हमेशा इवनिंग में यूज करना चाहिए ताकि आपकी स्किन सन के कॉन्टेक्ट में कम से कम आए पीलिंग सोल्यूशन को हफ्ते में एक से दो बार यूज कर सकते हैं इससे ज्यादा यूज नहीं करना है पीलिंग सोल्यूशन को यूज करने के लिए अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए और ड्राई कर लीजिए इसको ड्राई स्किन पे ही यूज करना है वेट फेस पे यूज नहीं करना है इस पीलिंग सोल्यूशन को यूज करने के लिए अपने फेस पे इवनली अप्लाई करिए आप फिंगर की हेल्प से इस पीलिंग सोल्यूशन को स्प्रेड कर सकते हैं इवनली अप्लाई करने के बाद इसे एट टू नाइन मिनट्स तक ही छोड़ना है इसे दस मिनट से ज्यादा नहीं लगाना है आई से एट टू नाइन मिनट तक के लिए आप इसे तो छोड़िए और उसके बाद ल्यूकोम वाटर से वॉश कर लीजिए ध्यान रहे आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं होनी चाहिए आपके स्किन में रैशेस और डेडनेस नहीं होनी चाहिए तभी आप इस पीलिंग सोल्यूशन को यूज करें पीलिंग सोल्यूशन को यूज करने के बाद ल्यूकम वाटर से अपने फेस को वॉश करिए वॉश करने के बाद आप टोनर सिरम सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर का जरूर यूज करिए

और खरीद तो so ये थी मेरी आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आऊंगी तब तक अपना ध्यान रखिए खुश रहिए स्वस्थ रहिए And keep growing always. Bye bye. Love you all.